आज मैं आपके लिए बच्चे की एक कैप लेकर आई हूँ। ये मैं 2.5 साल के बेबी के लिए कैप बना रही हूँ। ये दो उल्टा और एक दो सीधे का मैंने ये बॉर्डर नीचे से थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है, और इसमें मैंने 80 फंदे डाले हैं। मैंने 80 स्टिचेस इसमें डाले हैं। अब मैंने अपनी लेंथ इसकी कंप्लीट कर ली है। यहाँ तक ये देखिए, मैंने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। आप जितने चाहो रखना चाहो वो आप रख सकते हैं बेबी के हिसाब से। अब मैं इसके क्या करूँगी, जहाँ से कैप की शेप देनी है वो देखो ध्यान से कि कैप की शेप कैसे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 स्टिचेस करने के बाद यहाँ पे 7 के बाद 2 का 1 कर देना है। जो 7वां आएगा वहाँ पर 2 का 1 कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो 7वां आएगा यहाँ पर हमने फिर 2 का 1 कर देना है। ये सारी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 आएगा यहाँ पर 2 का 1 करना है 7वें पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पर 2 का 1। ऐसे मैंने ये सारी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे। पहले हमारे 6 थे, अब हमारे 5 आएंगे। 2, 3, 4 और ये 5। ये पर हमने 2 का 1 किया था, अब हम फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। फिर हमारे 5 आएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे फिर हमने 2 का 1 कर देना है। सारी रो को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। उल्टी सिलाई सारी उल्टी सिंपल ही आएगी हमारी। जहाँ पर ये हमारी निशानी लग जाएगी, ये देखो ये हमारी निशानी चलती जाएगी, लाइन लग जाएगी यहाँ पर। एक छोटी सी ना लाइन सी बनती चली जाएगी जहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे ही ये सारी रो को मैंने कंप्लीट करना है। ये देखो पहले यहाँ पर 6 थे, फिर 5, अब यहाँ पर 4 आएंगे। ये देखो ये आपको लाइन नज़र आएगी, ये लाइन सी बननी स्टार्ट हो चुकी हैं ये लाइन। फिर ऐसे करते करते हमारा यहाँ पर 1 रह जाएगा। जब 1 रह जाएगा फिर इसके कुछ जितने भी फंदे होंगे हमने उनको 2 का 1 2 का 1 करके हमने बंद कर देना है। अब मैं यहाँ पर 4 स्टिचेस बुनूंगी। 1, 2, 3 और ये 4। 4 आगे ये लाइन वाला आ गया, यहाँ पर फिर मैंने 2 का 1 कर देना है। 1, 2, 3 और ये 4, ये लाइन वाला और ये उसके आगे वाले को लेकर फिर 2 का 1 बना लेना है। ऐसे ही सारी रो को हमने कंप्लीट करना है। उल्टी तरफ से सारी सिंपल ही सिलाइयाँ हैं इसकी। ये देखो ये लाइन सी बन रही है ना हमारी, ये देखे ध्यान से देखो आप ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक एक करके यहाँ से कम करती चली गई मैं। ये अब हमारे पास एक एक की रो है। अब हम 2 2 का 1 ही करते चले जाएंगे। मैंने 6 से 5, 4, 3, 2 और अब 1 वाला आ गया। अब हम सारों को ऐसे करेंगे, 2 का 1 फिर 2 का 1 कर देंगे। ये सारी रो को मैंने ऐसे ही कंप्लीट करना है। उल्टी तरफ से बिल्कुल सिंपल ही रो बनाएंगे। उल्टी तरफ से मैंने फंदों को कम नहीं करना है, सीधी तरफ से ही 2 का 1 2 का 1 करके इन फंदों को कम कर देना है ऐसे करके। ये देखो ये कैप की शेप बहुत अच्छी आती है, राउंड में कैप की शेप आती है और बनाने में भी बड़ी आसान होती है। ये आपकी यहाँ से ना ये लाइन की निशानी लग जाती है। ये देखो ये कैप की शेप आनी जरूरी है। अब मैं इस उल्टी तरफ से सारी रो को ऐसे ही उल्टा ही बना कर कंप्लीट कर दूंगी। उल्टी तरफ से ऐसे हम करेंगे तो फिर एक जाली सी बन जाती है,
वो जाली नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर ऐसे। अब जितने भी फंदे हैं फिर हम दो का एक कंप्लीट कर देंगे, दो का एक बंद कर देना है। फिर दो का एक ये स्टिचेस को बंद कर दिया, फिर दो का एक ये वाला इसके ऊपर से निकाल कर बंद कर दिया, ये भी दो का एक और इस वाले से यहाँ पर बंद कर दिया मैंने। ये देखो ये बेबी की कैप की शेप कितनी अच्छी आ गई हमारी। हम यहाँ से इसको ऐसे करके हमने सिल लेनी है और ये हमारी बेबी की कैप की शेप आ गई। ये देखो जब हम सिलाई कर लेंगे बहुत राउंड में आएगी ये, ऐसे ये वाली लाइन ऐसे ऐसे ये आ जाएंगी हमारी, यहाँ पर हमने बंद कर लेनी है और सिल जाएगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये मेरी कैप का डिज़ाइन कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स।